मां शिवरात्रि के पावन पर्व पर शहर के शमशानेश्वर महादेव मोक्ष धाम में आज नारायण सेवा मित्र परिवार की ओर से 23 बैठक बेंचों का लोकार्पण विधायक समीर कुणावर, पूर्व विधायक राजू तिमांडे, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति सुधीर कोठारी, वर्धा जिला भाजपा महामंत्री किशोर दीघे, उमेश तुलस्कर, अतुल वांदिले की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। मां शिवरात्रि के पर्व पर शमशानेश्वर महादेव मोक्ष धाम पर आज कुल 23 बेंच का लोकार्पण किया गया है। हाल ही में विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुणावर ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सौंदर्यीकरण किया है। इस सौंदर्यीकरण के कारण जनता ने महाशिवरात्रि के पर्व पर दर्शन के लिए भारी मात्रा में उपस्थिति दर्शाई। नारायण सेवा मित्र परिवार ने 23 बेंचों का लोकार्पण करके पावन भूमि में एक और सुविधा देकर जनता को आकर्षित किया है। कार्यक्रम के आयोजन के समय नारायण सेवा मित्र परिवार के पदाधिकारी, महिला और महिला सदस्य और गणमान्य व्यक्ति के साथ में जनता की उपस्थिति थी। आज जे है शमशानेश्वर शिवच्या ठिकाणी आलो आहोत। इथे नारायण सेवा मंडळाकडून आज जे आहे लोकांच्या बसण्यासाठी चेअर दिलेले आहे। या शमशान भूमीचं सौंदर्यीकरण माननीय आमदार समीर कुणावर केले यांनी केले आहे। त्याच्यानंतर या आणखी याच्यात भर पाडण्यासाठी नारायण सेवा मित्र परिवाराकडून आज जवळपास आज 23 बेंच देण्यात आले आहे। बेंच आपण दृश्यामध्ये पाहू शकता, बेंच कशा प्रकारचे आहे। एक उच्च क्वालिटीचे बेंच आहे, हिंगणघाटच्या एका फॅक्टरीमधून बनवून घेण्यात आले आहे। तेव्हा नारायण सेवा मित्र परिवाराच्या सदस्याकडूनही आपण जाणून घेऊया की किती बेंच आणखी यासाठी आपण सौंदर्यात या शमशानभूमी शमशानेश्वर जे आहे आज महाशिवरात्रीच्या पर्वावर यांनी जे आज बेंचचं जे उद्घाटन आहे माननीय आमदार यांच्या हस्ते केलं आहे, तेव्हा त्यांच्याकडूनही जाणून घेऊया त्यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांचा येणारा जो प्रोजेक्ट आहे किंवा पुढील जे उद्देश आहे काय राहणार आहे। नारायण सेवा मित्र परिवार आहे, त्यांच्या सदस्याकडून जाणून घेऊया काय म्हणणं आहे त्यांचं आजच्या कार्यक्रमात, क्या कहना आहे आपका? मेरा यही कहना है कि अभी जो हमने मोक्षधाम के अंदर हमको बैठने की व्यवस्था थोड़ी यहाँ कम नज़र आ रही थी, तो नारायण सेवा ने यह सोचा कि यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था का करने का मानस बनाया हमने, और हमको सभी जो हमारे मेंबर्स हैं नारायण सेवा के और उसके अलावा भी उन लोगों ने हमारे को बेंचों के लिए डोनेशन दिया, और उसके हमने यहाँ पर महाशिवरात्रि के पर्व पर बेंचों का आज लोकार्पण किया। आगे का आपका उपक्रम क्या है, क्या सौंदर्य इसमें और सौंदर्यकरण के जो बढ़ोतरी करना है, तो उसके लिए क्या आपका उद्देश्य है, क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि अभी हम यहाँ पर 3-4 लोग सवेरे करीब करीब 6 बजे करीब हम रोज आके यहाँ पे स्वच्छता अभियान करते हैं, झाड़ों में पानी डाल रहे हैं, जिसमें हमारे पास ज्येष्ठ सदस्य है श्री महेश जी दीक्षित, जो सुबह आज हम 5:15 बजे आए, साथ में गोकुल जी शेंडे और विक्की भैया ठाकुर, और मेरे पास में सहयोगी बंडू जी बाखरे, बंडू जी और पप्पू भैया ललवानी, और बाकी भी टीम मेरी जो नारायण सेवा के सदस्य है जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ध्यान में नहीं आ रहे समझो, वो सभी लोग मेरे साथ में देके सफाई अभियान में सहयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग इसको और भी स्वच्छता के लिए बाकी भी संस्था को जोड़ेंगे, साथ में मिल के करना चाहते हैं। आणखी एक नारायण सेवा जे सदस्य वरिष्ठ सदस्य आहे त्यांच्याकडून हंगामी जे कार्य करणार आहे किंवा होणारे कार्य त्याच्याबद्दल क्या कहना है आपका अंकल? इसके पहले संस्था के अध्यक्ष ने आप लोगों को मोक्ष धाम के अंदर में जो बेंचेस लगाए उसकी माहिती सविस्तार आपको बता दी। ये उद्देश्य के साथ में हर साल हम लोग जो गायें जो रहती है गायों को पानी पिलाने के लिए मार्च महीने में टाकियाँ लोगों को प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक प्लेस पे वो टाकियाँ रखते हैं ताकि उनको गर्मी में कोई तकलीफ ना जाए, उनको पानी मिले। साथ में ये चिड़िया जो पक्षी रहते हैं उन लोगों को खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था के लिए सिकोरे का वितरण यही मार्च महीने में हम करते हैं, ताकि मार्च अप्रैल में ये 3 महीने या 4 महीने के पीरियड के अंदर में कोई भी पक्षी को पानी की और दाना पानी की कोई प्रकार की अड़चन ना जाए, ये उसके पीछे का उद्देश्य रहता है। हमारा अगला कार्यक्रम यही है। एकूणच नारायण सेवा मंडळाकडून विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे। आगामी जे आहे नारायण सेवा मित्र परिवाराचे सचिव आहे त्यांच्याकडून जाणून घ्या त्यांचे उपक्रम काय आहे आणि आगामी आणि होणारे उपक्रम काय काय म्हणणं आहे तुमचं? आज महाशिवरात्रीचा हा पवित्र दिवस, आजच्या दिनी आम्ही हा मोठा उपक्रम इथे 23 बेंचेस लावलेले आहे। आम्ही नेहमी जीवदया, मानव सेवा, दिव्यांग सेवा, पक्षी सेवा
आणि जलसेवा या सेवाकार्यात सातत्याने वर्षभर आम्ही कार्य करीत असतो। अशाच पद्धतीचं कार्य आम्ही यापूर्वी रेल्वे स्टेशन असो किंवा बाकी गावातल्या बाजारपेठा असो सगळीकडे पाण्याची प्याऊची व्यवस्था केलेली आणि सगळ्यांना पाणी वाटलं। त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या काळात 2 ते 2.5 महिने साधारणतः आम्ही निशुल्क सात्विक भोजनाची व्यवस्था केली। 14 दिवस प्रत्येकाची जोही क्वारंटाईन असेल त्यांना भोजनाची व्यवस्था केली आणि याही पुढे नारायण सेवा अशीच कार्य करत राहील हे मी अभिवचन देतो। नमस्कार। एकूणच नारायण सेवाकडून जे आहे उत्कृष्ट कामच हिंगणघाटात केले जात आहे। त्याच धर्तीवर 23 बेंचेस जे आहे हिंगणघाटच्या स्मशानभूमीत महाशिवरात्रीच्या पर्वावर असताना देण्यात आले आहे। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए रवि यनौरकर की रिपोर्ट।